नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज के जीके क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है सिक्किम। जी हाँ, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। भूटान, तिब्बत और नेपाल अपनी सीमाएं सिक्किम के साथ साझा करते हैं। दूसरा सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम? उत्तर है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 को किया गया था। तीसरा सवाल, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? उत्तर है भगत सिंह। आपको बता दें, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। चौथा सवाल, राज्यपाल यानी गवर्नर को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का कौन व्यक्ति दिलाता है? उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, जिस तरह भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक उसी तरह राज्यों के राज्यपालों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उनके द्वारा नियुक्त किया गया या उनके बाद सबसे वरिष्ठ और उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। पांचवा सवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है तिरुवनंतपुरम। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का प्रमुख केंद्र है। इसरो प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार है। छठवां सवाल, गारो हिल्स कहाँ है? उत्तर मेघालय। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं। शिलोंग, मेघालय की राजधानी, इन्हीं पर्वतों में स्थित है। सातवां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि मोहन सिंह ने अक्सर जापानियों से कहा था कि INA आंदोलन को एक नए नेता की जरूरत थी, और भारत के बाहर एक ही व्यक्ति वह नेतृत्व प्रदान कर सकता था, और वे थे सुभाष चंद्र बोस। आठवां सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? उत्तर है श्रीमती देविका रानी। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। नौवां सवाल, भारत के किस शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है? जवाब है चंडीगढ़। भारत के सबसे अच्छी हरियाली वाला शहर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भारत के 7 सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, और केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित है। शहर को शहरी वास्तुकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, और यह भारत के सबसे हरे रंग का शहर के रूप में जाना जाता है। और अब है आखिरी सवाल, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? जवाब है नेकचंद। पद्मश्री नेकचंद भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक ऐसे कलाकार थे जिनकी बनाई दुनिया को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक चंडीगढ़ आते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस गार्डन में शुमार है। देश के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेकचंद ने वेस्ट मटेरियल से करीब 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।